wishing you all a very Merry Christmas. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे. तो आज हम लोगों ने क्रिसमस पार्टी होस्ट करी है, पॉटलक डिनर है. तो सब फ्रेंड्स आएंगे और बहुत अच्छे अच्छे डिशेस लेके आएंगे. और मैं बना रही हूँ दाल मखनी और जीरा राइस. तो बस अब जल्दी से प्रिपेयर करते हैं क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है, अभी 3 बज गए हैं दोपहर के. तो जल्दी से प्रिपेयर करते हैं. और मैं आज पहली बार ना मैंने इतना बड़ा क्रिसमस ट्री डेकोरेट करा है, मेरे घर पे सेट हुआ है. और ये देखिए, ये अम्यान ने कुछ ऑर्नामेंट्स बनाए हैं, जैसे ये है और ये लाइक ये बेल बनाया है और ये है बॉल. ये अम्यान ने डेकोरेट करे ये ऑर्नामेंट्स. तो आप बताना आपको मेरा क्रिसमस ट्री कैसा लगा. और हम लोग रात में ये व्हाइट एलिफेंट गेम खेलेंगे. तो ये हमारे गिफ्ट्स हैं और ये हमारे यहाँ पे ऐसे 5-6 बच्चे आएंगे तो उनके लिए हम कुछ गिफ्ट्स लेके आए हैं. तो यस, इट विल बी फन. आई होप आपको भी अच्छा लगेगा. तो बस अब जल्दी से खाना प्रिपेयर करते हैं एंड देन जल्दी से रेडी होके पार्टी इंजॉय करते हैं. तो मैंने सोचा आपके साथ एक क्विक रेसिपी शेयर करती हूँ दाल मखनी की. तो यहाँ पर मैंने लिया है इक्वल क्वांटिटी ऑफ होल उड़द और राजमा और उसको ओवरनाइट सोक करा है. उसके बाद मैंने इसको बहुत बॉईल करा, देन इसको बहुत देर तक प्रेशर कुक करा, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स तक प्रेशर कुक करा. फिर इसको मैशर से अच्छा मैश करा और उसके बाद और मैंने आधा पौना घंटा इसको बॉयल करा. तो ये कुछ इस तरीके से, और इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा थीन नहीं रखनी है, कुछ इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है. और इसमें बॉईल करते वक्त मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करा. और यहाँ पर मैंने लिया है फाइनली चॉप्ड अनियन, जिंजर गार्लिक और टमेटो. तो जो इसमें गार्लिक है उसकी क्वांटिटी कम रखनी है और जो अनियन है उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है. गार्लिक का ज़्यादा टेस्ट नहीं आना चाहिए. और मैंने ये चॉप करा है इस चॉपर से. ये चॉपर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये थ्रेड वाला चॉपर है. और इसमें मैं कुछ ज़्यादा ऐसे खड़े वाले मसाले ऐड नहीं करूँगी. जो भी मसाला ऐड करूँगी वो इन द पाउडर फॉर्म होगा, क्योंकि जब आप दाल मखनी खाते हो ना तो उसमें ऐसा मक्खन जैसा मुंह में लगना चाहिए. और मैं इसमें ये वाला मसाला ऐड करूँगी, MDH का दाल मखनी मसाला. और यहाँ पर मैंने लिया है बटर और ऑयल. तो अब ये मेल्ट हो रहा है, इसके बाद मैं इसमें डालूंगी जिंजर गार्लिक जिंजर अनियन का ये जो चॉप्ड है ये, एंड देन ये अच्छा सॉटे हो जाएगा. उसके बाद मैं डालूंगी इसमें टमेटो प्यूरी और बस बनाते हैं दाल मखनी. नाउ आई एम एडिंग सम टर्मरिक पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि ये ना तीखी नहीं होती है. धनिया पाउडर. अब मैं इसको बहुत देर तक, जब तक इसमें ऑयल और बटर नहीं छूटता है तब तक इसको मैं धीमी आंच पर पकाऊंगी. आप देख रहे हैं कि अब इसने यहाँ पर तेल छूट गया है. अब मैं इसमें ऐड करूँगी दाल मखनी मसाला और फिर मैं इसको 2-3 मिनट तक फिर से अच्छे से. तो ये दाल मखनी अच्छी रेडी हो गई है. मैंने इसको अच्छा सा और बॉईल करा 15-20 मिनट. अब मैं इसमें ऐड करूंगी बहुत सारा क्रीम. और चेरी ऑन द टॉप, बटर और बहुत सारा हरा धनिया. और हो गई हमारी दाल मखनी रेडी. और अब हम हो गए हैं रेडी और हमारे कुछ फ्रेंड्स भी आ गए हैं. और ये देखिए हमारा थोड़ा बहुत ये ड्रिंक सेक्शन. और ये देखिए कितनी क्यूट सी बॉटल है. ये मुझे डॉलर ट्री में मिला इसका बॉटल कवर. एंड यहाँ पर मैंने थोड़े से ढोकले भी बना लिए थे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था शायद थोड़े दाल मखनी और राइस कम हो जाएंगे. और ये मैंने बनाई है पीनट चाट. और ये मेरी फ्रेंड ले वो भी लेके आई है ढोकले एंड गुलाब जामुन. और इसमें है ये कुछ बनाया है डिनर ब्रेड, तो स्टफ्ड डिनर ब्रेड. तो बस अब हम पार्टी स्टार्ट कर रहे हैं. ये मैरी क्रिसमस. तो हमारे सारे फ्रेंड्स आ चुके हैं. अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा व्हाइट एलिफेंट गेम. ये और हमारे ये कुछ फ्रेंड्स और अच्छी अच्छी चीजें लेके आए हैं. मैं बताती हूँ, ये है खांड वो, और वो है एक मिनट,
ये है कचौरी और रिमा लेके आई है मस्त पूरा चाट कट केला। तो हम लोग अभी खेल रहे हैं ये क्रिसमस बिंगो, हमने $5 कंट्री करे हैं। अब देखते हैं जिसका फुल हाउस होगा उसको मिलेंगे $20। तो सोनाली जीत गई है बिंगो पूरे $20 और 10 और ये दोनों जीत गए, तो सारा का सारा इन्होंने लूट लिया है। ये देखो इसने सबसे पहले बिंगो कर दिया है। ये Then we played Demsharads, White Elephant and Mafia. तो जो White Elephant है ना वो उसमें ना आपको आपकी पसंद का गिफ्ट नहीं मिल पाता है, पर हम दोनों को तो बहुत अच्छा गिफ्ट मिला हमें जो चाहिए था। और अगर आपको इसके जो रूल्स हैं वो पता करना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, मैंने वहाँ पर लिंक दी है। तो आप भी आपकी नेक्स्ट क्रिसमस पार्टी में इसे खेल सकते हैं, बड़ा मज़ा आता है। And look at this beautiful cake. ये बनाया है निहारी जी ने, इनका व्लॉग भी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी, तो प्लीज गो एंड फॉलो। और हमने सबसे लास्ट में बच्चे को गिफ्ट दिए, क्योंकि जब बच्चों को गिफ्ट मिल जाते हैं ना तो उन्हें घर जाने की बहुत जल्दी रहती है, बस उन्हें गिफ्ट खोलना रहता है। तो सारे बच्चे बहुत खुश थे, उन्हें 5-5 गिफ्ट्स मिले। हमारा एक आरव नहीं आ पाया क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो हमने उसको बहुत मिस किया। और वो भी उसके घर पर बार मतलब उसकी मम्मा को फ़ोन कर रहा था कि मम्मा आप कब आओगे, मेरे गिफ्ट्स कब लाओगे। तो बच्चों को गिफ्ट्स मिल जाते हैं ना तो बड़े खुश हो जाते हैं, इवन हमें भी गिफ्ट मिलते तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो क्रिसमस इज जस्ट द फेस्टिवल ऑफ गिफ्ट्स। तो हो गई है अब हमारी पार्टी खत्म, और वाइट एलिफेंट में मुझे मिला है ये प्यारा सा फेक प्लान, और मिला है अंशुल को ये ओखली, ये हमें चाहिए थी, तो अच्छे अच्छे गिफ्ट मिल गए। और अव्यान को भी बहुत सारे 5-5 गिफ्ट्स मिले हैं, वो भी बहुत खुश है। तो बस अब सोते हैं, काफ़ी लेट हो गया है, इट्स 1:35 ऑलमोस्ट। सो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।